तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि JVM क्या है, JRE क्या है, JDK क्या है। काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसमें काफ़ी थ्योरी वाले डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किए कि JVM क्या है, कैसे सोर्स कोड कंपाइल होता है, उसका बाइट कोड बनता है, बाइट कोड कैसे रन होकर JVM उसको मशीन कंट्रोल बनाता है, उसका एग्जीक्यूट होता है। तो ये काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। तो थ्योरी काफ़ी हुई, थ्योरी तो पढ़ी लोगे तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं चाहता था कि एक टेक्स्ट एडिटर, तुम नोटपैड भी यूज़ करते हो, हम लोग कोड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी टेक्स्ट एडिटर है और फ्री है, तो फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो और काफ़ी छोटा साइज है। तो बस सबलाइम इस वेबसाइट पे जाने का, sublimetext.com/3, उसके लिए डाउनलोड हो गई है, 10 MB फाइल है ओपन। तो नॉर्मल सा इंस्टॉलर होगा, विंडोज़ मैक ओएस के लिए भी है, लिनक्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल सा डाउनलोड है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल और ख़त्म हो भी गई। उसके बाद सब लाइन टेक्स्ट खोल लेते हैं। Sublime Text 3, तो काफ़ी अच्छा एडिटर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक न्यू फाइल कर लेते हैं, ठीक है। अब न्यू फाइल, तो अब हम लोग जब भी जावा फाइल बनाते थे उसका एक पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप पर कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना सकते हो, तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, वीडियो जावा। फाइल का नेम क्या रखना है तुमको, शायद अगर ये पहला ट्यूटोरियल है तो हम लोग सबसे पहला प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड ही होता है। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा टाइप कर दो, क्योंकि जावा फाइल है हमारी, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा होगा। तो फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, सेव करते हैं। तो हमारी जो फाइल है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा से सेव हो गई है। अब कुछ चीज़ें याद रखना, मैंने जो फाइल का नाम सेव किया है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल H हेलो। अगर तुम्हारा फाइल का नाम है यूज़र तो कैपिटल U यूज़र। तो ये कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस है कैसे नाम करना फाइल का और ये का। तो अब क्या करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि जावा है जो एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि इसमें एक तुमको एक क्लास बनाना ही पड़ेगा। तो मैं शुरू का जो बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ जो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तो पब्लिक क्लास, मैं एक बार तुम्हें बताता हूँ क्या है, हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो। बहुत कुछ लिख दिया स्क्रीन पे, टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस जैसा कोड है पूरा लिखो, एक बार रन करके देखो। उसके बाद चलो इसको पहले एक बार रन करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या क्या लिख दिया। मैंने स्क्रीन पे तो बहुत कुछ लिख दिया, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ। तो एक काम करो, मैंने ये फोल्डर डेस्कटॉप में बनाया, तो जहाँ भी गया है वहाँ पे CD चली जाए, तो CD डेस्कटॉप, और ये उसके बाद CD वीडियो जावा उसके अंदर आ गया। तो मेरा फाइल है, यहाँ देखने के लिए क्या क्या DIR कर सकता हूँ। तो देख देखो यहाँ पे मेरा जो फाइल है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये दिख रहा है मतलब यहाँ पे। तो हम लोग जावा कोड कैसे रन करते हैं, तो एक पहला जो जावा कोड है उसको रन करने के लिए सिंपल है, जावा कमांड है जावा सी, तुम्हारे इसका नाम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा,
जावा सी क्या है, जावा सी कंपाइल करता है, तुम्हारा जो जावा कोड है उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। तो हमने टाइप किया जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, रन हो रहा है, कोई एरर नहीं आया, मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अगर कंपाइल नहीं होता सही थे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं, जो कि कंपाइलेशन एरर होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फाइलें हैं इस फोल्डर में। तो देखो, पहले बस एक फाइल थी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, अभी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बन के एक और फाइल बन हो गई है कंपाइल होने के बाद। तो मैंने जैसा बताया था कि जब हम लोग डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं जावा कंपाइलर की हेल्प से, तो वो एक डॉट क्लास फाइल बना के देता है। ये डॉट क्लास फाइल क्या है, ये डॉट क्लास फाइल क्या करती है, ये डॉट क्लास फाइल एक्चुअली बाइट कोड है जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के बाइट कोड को करती है। अब JVM अगर हम इसे रन करेंगे तो JVM क्या करेगा, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्लास फाइल कैसा दिखता है। तो ओपन फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल ये है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखो, ये है बाइट कोड, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ आएगा भी नहीं, ये मतलब एक तरह से पूरे चेंज किए हुए। तो डॉट जावा को इसने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, ये बाइट कोड है तुम्हारे कोड का, और JVM इसको समझ के इसको चेंज के इंटरप्रेट करेगा और इसको बनाएगा मशीन कोड। तो हमें वो सब नहीं समझना, हमारा काम है कोड लिखना, बाकी जावा संभाल लेगा। तो डॉट क्लास फाइल बन गई, अब हमें क्या करना, रन करना। तो जावा प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, जावा कंपाइल तो हो गया जावा सी से, अब रन करना। तो जावा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जावा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड क्या, जो फाइल का नाम था बस वो देना, एंटर, और क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना प्रोग्राम बना लिया हेलो वर्ल्ड, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें, तो पब्लिक क्या है, पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, आगे पढ़ेंगे। क्लास, जैसा कि मैंने बताया जावा में हर चीज़ एक क्लास के अंदर होती है, ठीक है। क्लास ये सिंटैक्स है, पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये बाद में आगे मैं अच्छे से बताऊंगा कि पब्लिक क्या होता है, बहुत सारे एक्सेस स्पेसिफायर है, इसको एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। तुम अगर कॉलेज में हो, जावा पढ़ रहे हो, तो याद रखो पब्लिक को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक्सेस डिफाइन करता है। क्लास, क्लास मतलब सिंटैक्स है कि हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, उसके बाद ये जो हेलो वर्ल्ड है ये है क्लास का नाम, कि हमारे क्लास का नाम क्या रखना। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है और ये जो फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, ये दोनों मैच कर रही है, तो ये चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो एरर आएगा, अगर हमने यहाँ पब्लिक लिखा है। अगर तुमने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा है तो ये नाम चेंज हो सकता है इस फाइल के नाम से, लेकिन अगर तुमने पब्लिक नाम रख दिया है क्लास का अपना, क्लास के सामने पब्लिक लिख दिया है, तो तुम्हारा जो क्लास का नेम और फाइल का नेम चेंज नहीं हो सकता है। तो क्लास का ये हेलो वर्ल्ड क्या है, समझ आया, क्लास का नेम है। उसके बाद एक क्लास किस है, क्लास स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस से, उसके अंदर हमने एक मेथड लिखा है। या अगर तुमने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो तुम उसमें सी में हम लोग बोलते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा है, लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड होता है कि तुम्हारा जो कोड है उसके अंदर छोटे छोटे कोड है जो अलग अलग सब पार्ट है, जो अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो हमारा हर हर क्लास के अंदर जो हमारा एक क्लास होता है उसके अंदर एक मेन क्लास, एक मेन मेथड होना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद ये मेन कुछ और नहीं हो सकता, ये मेन ही होगा, अगर मेन के सिवा कुछ और लिखोगे तो एरर देगा। तो इसमें क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक, स्टैटिक एक टाइप का ये है जो स्टेट मैनेज करता है, अभी मत समझो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, समझो स्टैटिक बाद में समझाता हूँ। वर्ड है रिटर्न टाइप, अभी डिटेल्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप, बस सोचने के, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप, बस इतना याद रखो। मेन क्या है, मेथड का नेम है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग ब्रैकेट्स आर्क्स है ये है आर्ग्यूमेंट्स, बाइट कोड कैसे रन हो के JVM उसको मशीन कोड बनाता है, उसका एग्जीक्यूट होता है। तो ये काफ़ी थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। तो थ्योरी काफ़ी हुई, थ्योरी तो पढ़ी लोगे तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं चाहता था कि एक टेक्स्ट एडिटर, तुम नोटपैड, नोटपैड भी यूज़ करते हो, हम लोग कोड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हो।